लैंग्वेज ऑफ हरियाणा। आज हम डिस्कस करेंगे म्यूजिक एंड डांसेस ऑफ हरियाणा। सी, हरियाणा कल्चरली इज वेरी रिच, इट इज वेरी रिच, सो इट इज नॉट दैट वी हैव टू ऑलवेज लिंक द कल्चर ऑफ हरियाणा विद इट्स पेरेंट स्टेट दैट इज पंजाब। ऐसा जरूरी नहीं है। हरियाणा शुरू से ही एक अलग एंटिटी रहा है। एंशियंट टाइम से, हमने जैसे हिस्ट्री में भी डिस्कस किया, हरियाणा हैड इट्स ओन, यू कैन से कल्चर, इट हैड इट्स ओन सेंस ऑफ, यू कैन से देयर वाज अ सेंस ऑफ कल्चर इन हरियाणा सिंस द वेरी बिगिनिंग ऑफ टाइम्स। तो जितने भी यहाँ के कल्चरल चीजें हम देखते हैं, चाहे वो आर्किटेक्चर है, चाहे वो लिटरेचर है, लैंग्वेज है, म्यूजिक, डांसेस, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, ये सारी चीजें जो है इनमें उस कल्चर की एक झलक देखने को मिलती है। सो टुडे वी विल सी म्यूजिक एंड डांसेस ऑफ हरियाणा, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ज्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे, कौन कौन से डांसेस हैं, किस तरह का म्यूजिक है हरियाणा में, ये सब कुछ हम आज डिटेल में देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी टॉक अबाउट म्यूजिक ऑफ हरियाणा, हरियाणा इज अ स्टेट ऑफ रिच म्यूजिकल ट्रेडिशन एंड इवन सम प्लेसेस हैव बीन नेम्ड आफ्टर रागास। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। कई बार ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन हरियाणा आर नेम्ड आफ्टर रागास। बहुत सारे राग होते हैं म्यूजिक में, और हरियाणा में बहुत से ऐसे गांव, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो किसी ना किसी राग के नाम पर हैं। फॉर एग्जाम्पल, चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट में देर आर मेनी विलेजेस नेम्ड एज तोड़ी, जैसे राग तोड़ी होता है, राग तोड़ी, असाविरी, जयश्री, मलाकोशना, हिंडोला, भैरवी। तो ये सब रागों के नाम है, राग भैरवी, राग हिंडोला, राग तोड़ी। तो इनके नाम पर चरखी दादरी में बहुत सारे गांव के नाम हैं। इसी तरह से जींद डिस्ट्रिक्ट की बात करें अगर हम, देर आर जय जयवंती, मलावी, ये भी रागों के नाम है। सम ऑफ द म्यूजिक इज बेस्ड ऑन बैलेड्स। बैलेड्स का मतलब होता है वीर गाथा। बैलेड इज वीर गाथा। सो सम ऑफ द म्यूजिक इज बेस्ड ऑन बैलेड्स विच प्रेज द हीरोज एंड देयर ब्रेव डीड्स। तो वीर गाथा यानी कि जिसमें किसी ना किसी युद्ध का वर्णन हो, किसी ना किसी लड़ाई का, किसी ना किसी कॉन्क्वेस्ट का वर्णन हो, और उसमें हीरोज को ग्लोरीफाई किया गया हो। द म्यूजिक इज प्लेड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स लाइक मैरिज, बर्थ, एडवेंट ऑफ न्यू सीजन्स एंड कल्चरल फेस्टिविटीज। तो म्यूजिक अलग अलग मौकों पर हरियाणा में बजाया जाता है, जैसा कि बाकी जगह भी है, इसमें कुछ खास नहीं है। तो जिन ओकेजन्स पे बाकी जगहों पर म्यूजिक बजता है, उन्हीं ओकेजन्स पर हरियाणा में भी बजता है। शादी होने पर, राइट, कोई अच्छा फेस्टिवल होने पर, कोई नया साल आने पर, या फिर किसी भी तरीके से सीजन्स के चेंज होने पर। सीजन्स के चेंज होने पर क्यों म्यूजिक बजाया जाता है? बिकॉज हरियाणा और जो इसके आसपास का रीजन है, इट इज प्राइमरीली एग्रीकल्चरल इन नेचर। तो जब भी सीजन चेंज होता है, इट इज अ बिग ओकेजन फॉर द फार्मर। जैसे बैसाखी का त्यौहार होता है, जैसे बसंत पंचमी, इस तरह के जो त्यौहार होते हैं। तो